हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी लेटेस्ट नोटिस फॉर स्टूडेंट। वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के साथ साथ आल के बटन पर क्लिक कर लें जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी द्वारा लेटेस्ट नोटिस प्राप्त हुआ है। ये देखिए, जो भी स्टूडेंट एमबीबीएस फर्स्ट प्रोफेशनल और एमबीबीएस सेकंड प्रोफेशनल परीक्षाओं के संबंध में ये नोटिस जारी हुआ है। यहाँ पर लिखा गया है कि आदेशानुसार अवगत कराना है कि एमबीबीएस के छात्र छात्राओं द्वारा इस आशय के प्रत्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं कि चैलेंज मूल्यांकन का परीक्षा परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है और परीक्षा कार्यक्रम दिनांक 1 फरवरी से प्रस्तावित है, जिसे छात्र छात्राओं में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है एवं छात्र छात्राओं के भविष्य को देखते हुए चैलेंज मूल्यांकन का परिणाम घोषित होने के उपरांत ही परीक्षाएं संपन्न कराई जाएं। छात्र छात्राओं से प्राप्त प्रत्यावेदनों पर सम्यक विचारोपरांत आदेशानुसार विश्वविद्यालय की मेडिकल परीक्षाओं को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाता है। चैलेंज मूल्यांकन का परीक्षा परिणाम यथाशीघ्र घोषित कर दिया जाएगा और संशोधन परीक्षा कार्यक्रम तदुपरांत विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर घोषित कर दिया जाएगा। मतलब जो भी स्टूडेंट एमबीबीएस इत्यादि यहाँ कर रहे हैं फर्स्ट और सेकेंड ईयर में हैं और उनका द्वारा जो चैलेंज मूल्यांकन होता है यानी चैलेंज एवेल्युएशन का जो परीक्षा होती है या जो भी फॉर्म डाला जाता है और उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है और यूनिवर्सिटी ने 1 फरवरी से ये उनका एग्ज़ाम लगा दिए थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसलिए इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया कि ऐसे तो स्टूडेंट के हितों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, अगर वो स्टूडेंट फेल हो जाते उसमें तो उनकी 1 साल बर्बाद हो जाएगी, इसलिए पहले चैलेंज एवेल्युएशन का रिजल्ट जारी किया जाए उसके बाद में ये एग्ज़ाम कराए जाएँ। तो फाइनली इस निर्णय को यूनिवर्सिटी ने मान लिया है और आगामी आदेशों तक परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है और जैसे ही चैलेंज एवोल्यूशन का परिणाम आ जाएगा उसके बाद इनकी नई यानी नया टाइम टेबल इनका घोषित किया जाएगा। कब आएगा इसके लिए हमारा वीडियो सबसे पहले आपको चैनल पर दिख जाएगा और अदरवाइज आप कानपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर विजिट करते रहिएगा, सबसे पहले वीडियो आ जाएगा कि आखिर में कब से यूनिवर्सिटी ने नया टाइम टेबल जारी किया और कब आपकी अब परीक्षाएं होंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्क्रीन पर आपको चैनल का लोगो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करिएगा और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसके लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुँचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।